हेलो दोस्तों, मैं विष्णु प्रसाद और आप देख रहे हैं टेक रिव्यू। दोस्तों मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं कि कैसे आप यूट्यूब चैनल को, अपना जो यूट्यूब चैनल है उसे सर्च रिजल्ट का फास्ट पेज में कैसे ला सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप YouTube चैनल बनाने से पहले जब भी नाम देते हो तो सबसे पहले आपको सर्च करना है वो YouTube पे। ठीक है, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसे देखना है आपको। अगर नेम यूनिक है तो दे सकते हैं, अगर यूनिक नहीं है, अगर उस नेम को फिर भी आप देना चाहते हो चैनल नेम में, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि आपका कितने सारे कंपटीटर हैं। ठीक है, तो कंपटीटर जितने भी सारे हैं उनका लिस्ट बना लीजिए, उनका कितने सारे सब्सक्राइबर है वो देख लीजिए, और आपको क्या क्या करने से आप उसे बीट कर पाएंगे वो सोचना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, देखो अगर मान के चलिए किसी का 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर लोग है, जितना आप टैग दे दो, जितना मतलब आप कीवर्ड दे दो, थोड़ा उससे बीट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर यहाँ पे 10,000, 11,000, 12,000, 15,000, 20,000 के आसपास होगा कोई, तो आप उसे 1 महीना 1.5 महीने का अंदर आप उसे बीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसे बीट कैसे करना है मैं आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, तो चैनल आप क्रिएट कर दीजिए, उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कीवर्ड सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो कीवर्ड आप कैसे सेट करेंगे, तो अपना चैनल का नाम पहले रख दीजिए, उसके बाद आप जिस कैटेगरी के वीडियो डालने वाले हैं, जिस कैटेगरी से आपका चैनल है, मतलब आपका जो नीच है उसका कुछ मतलब फेमस कीवर्ड जैसे हो गया उसे डालना है। ठीक है, तो मैं और एक चीज बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि अगर आप कीवर्ड डाल रहे हैं तो आप देखिए अपना चैनल का नाम पहले डाल दीजिए, जैसे कि मेरा चैनल का नाम है टेक रिव्यू, मैं टेक रिव्यू डालूंगा, उसके बाद टेक्नोलॉजी डालूंगा, उसके बाद टेक टॉक डालूंगा, उस फेमस मतलब कीवर्ड जो है वो सारे के सारे मैं यहाँ पे यूज कर दूंगा, उसके बाद मेरा जो टॉपिक है, जैसे कि मेरा नीचे है, जैसे ब्लॉगिंग हो गया, वर्डप्रेस हो गया, डिजिटल मार्केटिंग हो गया, मैं सारे के सारे कीवर्ड यहाँ पे डाल दूंगा, ताकि जब भी मतलब यूट्यूब को पता चल जाए कि मेरा जो चैनल है वो किस कैटेगरी का है, कौन से नीच में मैं अपना वीडियो मतलब बनाता वो YouTube को पता चले, इसीलिए मुझे यही कीवर्ड देना है। और कीवर्ड का स्ट्रेंथ कितना होना चाहिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आपका जो कीवर्ड डालेंगे वो आप मान के चलिए 7 से 8 या 10 के अंदर अंदर आपको वर्ड यूज करना है, और जो कैरेक्टर यूज करना है वो 150 के अंदर अंदर रहना चाहिए। ठीक है, 100 के अंदर अंदर रखेगा तो बढ़िया बात है, 150 डालने का कोई मतलब नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे मैं एक चीज आपको बता देता हूँ, जितना ज्यादा कीवर्ड यूज करेंगे ना आप, उतना आपका कीवर्ड का वैल्यू लूज करेंगे। ठीक है, अगर मैं टेक रिव्यू लिखूंगा और टेक्नोलॉजी टिप्स टिप्स एंड ट्रिक्स ऐसे करके पूरा भर दूंगा तो मेरा जो कीवर्ड है ना का वैल्यू धीरे धीरे कम होता जाएगा, क्योंकि देखो एक बहुत कम कीवर्ड अगर डालते हो तो YouTube उसे क्या करता है ना, उसे मतलब वो उसको पता चल जाता है कि क्या मतलब कौन सा कैटेगरी है। अगर आप सारे इतने सारे कीवर्ड डाल दोगे, जितना है उतना डाल दोगे, तो क्या होगा, तो YouTube को पता नहीं चल पाएगा, शायद आपका रैंकिंग उसमें गिरेगा, आपका SEO खराब हो जाएगा, YouTube का जो SEO कर रहे हो ना वो खराब हो जाएगा, आपका चैनल कभी सर्च रिजल्ट में नहीं आएगा, मतलब फास्ट पेज में आने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, और एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, कीवर्ड का आइडिया आप कैसे लेंगे, जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे आपको क्या करना है, आपका जितने भी सारे कंपटीटर है सबका यूट्यूब चैनल को ओपन कर दो और कंट्रोल यू मार के व्यू सर्च कर दो और उन कीवर्ड लेके सर्च कर दो। ठीक है, तो जो भी कीवर्ड वहाँ पे आ जाएगा थोड़ा थोड़ा उसे देखिए, उससे थोड़ा इन्फॉर्मेशन लीजिए कि क्या मैं यहाँ पे दे सकता हूँ, थोड़ा मतलब देखिए, मतलब उसका कीवर्ड को थोड़ा देखिए, थोड़ा कीवर्ड उससे उठाइए, उसे कॉपी कीजिए थोड़ा कीवर्ड, मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा कॉपी कर दो, थोड़ा सा कुछ हिस्सा जो लगता है कि आपको रैंक करना चाहिए उसे आप कॉपी कर दीजिए। ठीक है, और एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा, अपना खुद का कुछ कीवर्ड वहाँ पे भी लगा देना। ठीक है, पूरा कॉपी करोगे तो क्या होगा ना, आपका रैंकिंग खराब हो जाता है। ठीक है, आप जैसे भी अगर कोई कंटेंट आप लिख रहे हो तो कहीं पे भी अगर आप कॉपी करते हो तो जैसे कि रैंकिंग खराब हो जाता है, वैसा ही यहाँ पे सेम है। ठीक है, और एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि अगर आप कंटिन्यूअसली वीडियो अपलोड करेंगे तो क्या होता है ना, रैंकिंग थोड़ा अच्छा हो जाता है। सपोज आप जो भी लोग यूट्यूब में 10,000, 11,000, 20,000 के अंदर अंदर सब्सक्राइबर या जितना भी सब्सक्राइबर हो जाए गेन किए हैं और उसके बाद वो वीडियो अपलोड करना डालना बंद कर दिए हैं, तो क्या हुआ है ना, उन लोगों का सर्च रिजल्ट में वो नीचे आ जाते हैं। ठीक है, अगर आप अभी एक्टिव है, अभी आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं तो
आप वहाँ पे एक्टिव मेंबर है ना, एक्टिव है ना, तो क्या होगा ना, आपका चैनल थोड़ा रैंक करेगा यहाँ पे, और उन लोगों का जो चैनल है वो थोड़ा नीचे चला जाएगा। आप खुद जाकर टेस्ट भी कर सकते हैं, टेक रिव्यू लिख के सर्च कीजिए और देखिए। तो मेरा चैनल नया चैनल है वो भी एक महीना का, जो सब्सक्राइबर का पहले में आता है, ठीक है। तो बाकी में जितने सारे 10,000-11,000-20,000 के अंदर अंदर में है वो सारे नीचे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन लोग इनएक्टिव है और बहुत कम वीडियो अपलोड कर रहे हैं इसी की वजह से, ठीक है। तो और मैं और एक चीज बोलना चाहूंगा यहाँ पे, अगर आप इसके रिगार्डिंग आप पढ़ना चाहते हैं तो मैं आर्टिकल लिखा हूँ मेरे वेबसाइट में, technicalvishnuji.com जो मेरा वेबसाइट है वहाँ पे लिखा हूँ, आप जाके पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप इस वीडियो से आपको काफी सारा नॉलेज मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को